हेलो मैड गैंग, कैसे आप सब। स्वागत है आप सभी का मैड फॉर फन के इस नए वीडियो में, जिसमें आज हम करने जा रहे हैं गेस द वेब सीरीज बाय देयर बैडली एक्सप्लेन प्लॉट। तो दोस्तों, ये वेब सीरीज गेसिंग का चैलेंज होगा, जिसमें उनके प्लॉट जो है वो बैडली एक्सप्लेन होंगे। और यहाँ पे होगी तीन टीम्स। तो पहली टीम होगी अपर्णा और सत्यम की। हमारे टीम का नाम है टीम 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 वाली। दूसरी टीम है रवि सर और साइली की। तो हमारे टीम का नाम है टीम नेक्स्ट एपिसोड। और तीसरी टीम है पवन और रोहिणी की, टीम सीजन टू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्विज को। एक इंसान जो हिटमैन है और अपनी नौकरी से नफरत करता है, वो काम और परिवार को संतुलित करने की कोशिश करता है, लेकिन अक्सर परिवार के बजाय काम को चुनता है। वो काम से नफरत करता है ना, उसमें हिटमैन नहीं है वो, पर फैमिली भी संभाल ली उसको। नौकरी से नफरत नहीं करता वो, पर एक बार सोचते हैं कि हिटमैन क्या है, मतलब वो हिट कब रहता है वो? रोहित नाम का कोई कैरेक्टर है क्या किसी वेब सीरीज में, वो देखना पड़ेगा। मिर्जापुर। शिट, हम फैमिली मैन। फैमिली मैन ही बोलेंगे। तुझे भी वही लग रहा है? मुझे भी वही लग रहा है। तो इसका आंसर है द फैमिली मैन। भीषण हत्याओं को सुलझाने के दौरान पुलिस एक ऐसे व्यक्ति का पीछा करती है जो प्राचीन ग्रंथों का उद्धृत करना और अजीब अनुष्ठान करना पसंद करता है। इट राइम्स विद कसूर। मैं इनके आंसर के साथ जाना चाहूंगी। असुर। 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 यस। जिन्होंने देखी नहीं है, इसके चेहरे से मैच होता है वर्ड। असुर। असुर। न्यूज रूम में लोग जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, सुर्खियां पढ़ रहे हैं और कभी कभी एक्चुअल न्यूज रिपोर्ट कर रहे हैं जो अभी हो रही है। ज्यादातर वो सब न्यूज केओस पैदा कर रही है उस इंसान के लाइफ में। कार्तिक आर्यन का पर मूवी था शायद, वो धमाका कुछ तो भी। हमें ये सोचने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए, तब तक आप इसका आंसर हमें कॉमेंट्स करके जरूर बताइए, तब तक हम सोचते हैं। मुझे लग रहा है पर रह सकता है, क्योंकि उसमें न्यूज़ रिपोर्टर है, वो रिपोर्टर कवर कर रहा है और वही न्यूज़ उस इंसान के लाइफ में कुछ। शिट 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 शिट। अच्छा, ताजा खबर। ताजा खबर। ताजा खबर। करेक्ट आंसर। इस सीरीज का नाम है ताजा खबर। स्कूप। अरे अरे, बंदूकों वाले बहुत सारे लोग सत्ता के लिए लड़ रहे हैं, बेसिकली कुर्सी के लिए देसी गेम ऑफ थ्रोन्स है। बीजेपी वर्सेस कांग्रेस। मिर्जापुर में भी सेम है, बहुत सारे नहीं लड़ रहे हैं। मिर्जापुर। क्या? ऐसा लग रहा है अभी थोड़ा कर। तेरे मुंह से बता दे मुझे, मेरी इज्जत प्यारी है। मिर्जापुर। मुझे लग रहा था महारानी है, पर शायद नहीं। ये मिर्जापुर ही है। हाँ, इसका आंसर है मिर्जापुर। मिर्जापुर। एक छोटे शहर के बच्चों का एक ग्रुप जो एक फिशिंग रैकेट चलाता है और एंटरटेनमेंट के लिए इंटरनेट पर केओस फैलाता है। समझ गया। आपने एक बार भी देखा है क्या कि उसने खुद ने जल्दी आंसर दे दिया, वो बस एक्टिंग कर रहा है। मैं इसको चांस दे रहा हूं गाइस। गाइस, वो बस एक्टिंग कर रहा है। समझ गया मैं, पर वो खुद के मुंह से नहीं बोल रहा आंसर गाइस। जमतारा। ये नाम भी मुझे नहीं पता। श्योर श्योर श्योर। फिशिंग वाला कौन सा सीरीज है? पहला वर्ड बता गाइस। तो इस पहला वर्ड बताना है। जमतारा। यार मैंने बताया इसको गाइस, कितना झूठा है ये। फैंसी सूट पहने एक व्यक्ति तेजी से बात करता है और नंबर्स के साथ चाले बनाता है, और फिर फैंसी सूट में अन्य लोगों का एक ग्रुप उस नंबर्स के साथ और अधिक चाले बनाने से रोकने की कोशिश करता है। मुझे लग रहा था कि हम जीतने वाले हैं। टिपिकल टिपिकल आने लगे गाइस। फैंसी सूट पे उसने इतना फोकस किया है, नंबर्स के इस पे कि गलत हो सकता है, अलग हो सकता है, उल्टा हो सकता है, झूठ बोल सकता है वो आदमी। ये स्कैम संख्याओं के साथ झूल क्या? 1992। हम उसके साथ ही जाएंगे। संख्या संख्या बोले तो वही आता है। शी हो सकता है, फिर वो कोड यूज करके वो और चाले करते। यार ये कुछ तो है वही, फिर हम स्कैम के साथ जाना चाहते। चलो सही है। शोर तो नहीं है पर कुछ है नहीं बोलने को। तो स्कैम 1992। इस सीरीज का नाम है स्कैम 1992। एक आदमी ऐसी जगह फंसा है जहां वो गांव में एक नेता बन गया और गांव के अलग अलग चुनौतियों से वो निपट रहा है और वो चाहता है कि वो यहां से चला जाए। यस, मैं बताऊं। हाँ, सब बता। इस सीरीज का नाम है पंचायत। पंचायत पे पंच कर दो।
इस वेब सीरीज का ना स्टार्टिंग का 5 मिनट का देखा है, उससे मुझे लगता है कि आप पंचायत है। 5 मिनट में क्या देखा तूने? पंचायत, पंचायत के साथ ही जाऊंगा। एक कांस्टेबल ईमानदारी से काम करता है लेकिन काम करते वक्त मर जाता है, अब उसके साथ वाले ऑफिसर को बचा हुआ केस सॉल्व करना है। एक कांस्टेबल मर जाता है, ये तो फिर सेक्रेड गेम से लग रहा है मेरे को। उसने सेक्रेड गेम से लिया होगा, अब मैं साहिल को समझने लगी हूँ। इधर मुझे स्पेशल ऑप्स, सुपर ऑप्स नहीं है। अगर होगा भी तो गलत नाम मत बता। नॉट श्योर, स्पेशल ऑप्स। सेक्रेड गेम्स लॉक। सेक्रेड गेम्स। और चिल्ला चिल्ला के सबको बता दे। सेक्रेड गेम्स। सॉरी पर मुझे नहीं पता, अगर गलत है तो इसको गालियां दो। आपने सारे आंसर्स करेक्ट दिए तो आपका एक टीम के साथ टाई हुआ है और वो है टीम 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 वाली। तो एक बोनस राउंड आपके साथ मैं खेलना चाहता हूँ। एक इंसान किडनैपिंग के धंधे में आ जाता है क्योंकि यह एक नौकरी का अवसर है, पर चीजें गड़बड़ हो जाती है। अपहरण होगा क्या? किडनैपिंग यार, किडनैपिंग कौन से सीरीज में है? पैसों के लिए वो। मुझे ऐसा लगता है कि पता है, अपहरण। गाइस इसका आंसर है अपहरण। सब आंसर दे दिए। हम अपहरण के साथ जाना चाहते हैं क्योंकि नाम में ही किडनैपिंग है। किडनैपिंग है तो आप इस क्विज के विनर हो। आपका स्कोर और टीम 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 वाली का स्कोर टाई होता है। तो आप दोनों ही जीते हो, तो आज के विनर आप भी हो। दोनों जीते हम लोग। नहीं नहीं, दो टीम जीते हो। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर चैनल पे आज और अभी आए हो तो। और मिलते हैं ऐसी ही किसी वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, बी हैप्पी एंड बी मैड फॉर फन। इतना सब्सक्राइब क्या बोला था तुझे? क्या लग रहा था? पैटर्न नहीं है ये, पाताल में ही लोग हैं। पाताल में ही नहीं है। चुप रहिए। मुन्ना। अच्छा मुन्ना गंदा ही आता है, मतलब क्या ही बोले। रुक, तो इसका फेमस डायलॉग जलवा है हमारे।